आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे असंभव कार्यों को भी संभव किया जा सकता है। जहां एक ओर ड्रोन मनोरंजन और शादी की वीडियो बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वहीं विकृत मानसिकता वाले इसे मानवता को हानि पहुंचाने के लिए भी यूज कर रहे हैं, जिसके कारण ड्रोन का प्रयोग अधिकतर प्रतिबंधित है। वहीं ड्रोन का प्रयोग हिमाचल में मानवता की सेवा में प्रयोग किया जा रहा है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में पहाड़ी राज्य हिमाचल मेडिकल इमरजेंसी में ड्रोन के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने इसके लिए IIT मद्रास से हाथ मिलाया है। नेशनल हेल्थ मिशन के इस प्रोजेक्ट पर मंडी से शुरुआत की जा रही है। ड्रोन ऑपरेशंस के बारे में एक इनोवेटिव आइडिया यहाँ पर कंसीव हुआ था, जिसमें कि जो ड्रोन ऑपरेशनलाइजेशन है उसको स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में कैसे उसका फायदा उठाया जा सकता है, तो स्वास्थ्य विभाग मंडी की तरफ से एक प्रारूप बना के सरकार को दिया गया था कि जैसे मंडी में भी काफ़ी दुर्गम क्षेत्र हैं और वहाँ से जो ब्लड सैंपल होते हैं, स्पूटम सैंपल होते हैं, मंडी तक आने में उनको समय लगता है, ट्रांसपोर्टेशन में समय लगता है, कॉस्टली ट्रांसपोर्ट है, तो ये देखा गया कि अगर ड्रोन का उसमें यूज़ किया जाए तो जो समय है उसको भी बचाया जा सकता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है। हिमाचल सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से इसकी अप्रूवल मिल गई थी और जो इसके इसको ऑपरेट करने के लिए स्टेक होल्डर जो डिपार्टमेंट्स थे उसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और IIT चेन्नई के अंतर्गत एक UV फ्लाई टेक्नोलॉजीज एक कंसर्न है। यहाँ पे मंडी में सरोवा से बाटू, जंजली घाटी में, गाड़ा घुसैनी में और अभी परसों बरोट घाटी में और पिछले कल कांगनी धार से चिपनू पुलिस ग्राउंड तक जो ड्रोन्स के जो फ्लाइट थी उसको ऑपरेशनलाइज किया होंगे उसमें कि जैसे मंडी में पूरा जो एरिया है उसमें जो भी स्वास्थ्य विभाग के कुछ ट्रांसपोर्टेशन करनी हो, जोनल हॉस्पिटल से कोई जो इक्विपमेंट जाना है या कोई एमरजेंसी इक्विपमेंट या एमरजेंसी ड्रग्स है उनको रिमोट एरियाज में भेजना है, तो उस चीज़ में ये एक फ़ायदेदार चीज़ साबित होगी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में पहली बार यहाँ पर इस तरह का जो ड्रोन के जो ट्रायल्स हैं वो किए जा रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में अगर ये सफल हो जाते हैं और इसकी अप्रूवल मिल जाती है और इसका एक सिस्टम बन जाता है तो जो हिमाचल प्रदेश में और भी जो दुर्गम क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, पांगी, भरमौर, लाहौल स्पीति, किन्नौर के जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं को, स्वास्थ्य सेवाएँ देने में ये एक वरदान साबित हो सकता है।